हेलो फ्रेंड्स गजा पर आपका स्वागत है इज सागर कुमार तो फ्रेंड्स तो कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे तो फ्रेंड्स आज का क्लास बहुत असमझदार बवाल होने वाला है क्योंकि आज क्लास जी वालों के लिए मैथ का महा मैराथन क्लास है जो आपके सामने पेश है बहुत सारे इसमें क्वेश्चन होगा सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो बस दिल थाम के शांतिपूर्वक रूम बंद करके बेड पर आराम से बैठ जाना है वीडियो के अंत तक देखना है पूरा वीडियो फुल वॉच करना है सभी टाइप के क्वेश्चन मौजूद है इस क्लास में तो चलिए आज की मजदूरी शुरू करते हैं शुरू से तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल रेडी होंगे माँ मैराथन क्लास के लिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है इस क्वेश्चन को जरा गंदी नजरों से देखकर इस क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके बनाइए फास्ट डूट जितना जल्दी बेचैन में इस क्वेश्चन को बनाना है देखिए छोटे छोटे कदमों से बनाएंगे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से चलेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन पर हाँ बढ़ाने का बिल्कुल नहीं शांतिपूर्वक बैठ जाने का क्लियर होगा समझिए कैसे इसको हल करेंगे दिया गया सत्रह से एक बटे टू परसेंट अब तीन से एक बट चार्ट अब तैतीस तीन परसेंट अब बहत्तर सौ

ऑफ का मतलब गुना फिर तैतीस से तैतीस से एक बटा तीन परसेंट है तो गुना करेंगे निन्यानवे निन्यानवे में एक जोड़ दिया सौ सौ अब बट्टे में तीन होगा अब प्रतिशत के लिए बट्टे में सौ सौ से गुना आपका मतलब का अब बहत्तर सौ लिख देंगे क्लियर इतनी बातें पची समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा तहलका मचाना है समझिए कैसे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा हुआ कि नहीं होगा तीन से सौ काटेंगे तो चौबीस बार में चला जाएगा अब कोई कटेगा नंबर बहुत सारे नंबर कटेंगे दो जीरो से ये दो जीरो चार से इसको काटेंगे चार से चौबीस हो जाएगा हो कि नहीं होगा फिर इसको आधा करेंगे तो सौ बनेगा और इसको आधा कर देंगे तो तीन बनेगा अब कोई नंबर कटेगा नहीं यानी कितना आ गया पैंतीस गुने तेरह गुने तीन अब बट्टे में सौ क्लियर और थोड़ा समझिएगा देखिए तेरतीस पैंतीस से गुना करेंगे ना तो आपका साफ सु, सुथरा बात आई क्या तेरह बनेगा दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा तेरह अब पैंसठ बट्टे में सॉ जब भाग लगाएंगे तो आएगा तेरह पॉइंट सिक्स फाइव का हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्लियर डाउट परेशानी हो रही तो खुलकर पूछना है कमेंट में नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब बनता है तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है यदि x का भार y से 20 परसेंट कम है तब y का भार x से कितना प्रतिशत अधिक है समझने की कोशिश करिएगा कैसे हल करेंगे देखिए एक x है और दूसरा y है क्लियर है क्वेश्चन बोला गया x का जो भार है x का भार y से 20 परसेंट कम है यही राज की बात है जब 100 मान लिया हमने y का भार 100 है और x 20 परसेंट कम है x 20 परसेंट कम है y से तो कितना होगा ये 80 होगा होगा कि नहीं होगा अरे भाई ये बीस परसेंट कम है हमने मान लिया वाई सौ है तो बीस परसेंट कम है तो इसमें से बीस माइनस कर देंगे जब बीस माइनस करेंगे तो अस्सी यूनिट बचेगा क्लियर डाउट नहीं हो रही होगी तब तो पूछा गया है तब तो वाई का भार एक से कितना परसेंट अधिक है तो देखिए पूछा क्या गया है वाई का भार जो वाई का भार है एक्स से एक से कितना प्रतिशत अधिक है जब 20 परसेंट कम है एक्स तो 20 परसेंट ज्यादा होगा वाई 20 यूनिट ज्यादा होगा वाई हुआ कि नहीं होगा क्लियर होगा बीस यूनिट किस पर ज्यादा है भाई अस्सी पर तो ज्यादा है तो बट्टी में अस्सी आप प्रतिशत के लिए गुने में सौ क्लियर है इससे काटेंगे तो चार बार में कटेगा चार से कटेगा पच्चीस चौके सौ यानी पच्चीस परसेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है मजा मजा आ रहे, मजा आएगा तो बस वीडियो के अंत साठ परसेंट और यानी अंतर उस संख्या का तेरह से एक बड़ा टू परसेंट कितना है मतलब क्या है समझिए कैसे निकालेंगे ध्यान समझ रहा है मान लिया हमने लेट तो मने होता है मान लिया तो मान लिया हमने संख्या एक्स है संख्या मान लिया एक्स है समझिएगा इस संख्या का साठ परसेंट इस संख्या का 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 मतलब बूढ़ा साठ प्रतिशत क्लियर है फिर उसी संख्या का मतलब इसी संख्या का अट्ठाइस परसेंट क्लियर है जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है यानी माइनस डिफरेंस मैंने घटाओ अंतर माइनस लगा देंगे इनका अंतर कितना है बत्तीस सौ क्लियर हो गे? इतनी बातें समझ में आई कितना है भाई बत्तीस सौ क्लियर आगे बढ़ते हैं समझिएगा देखिए यहाँ से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन हो जाएगा तो साठ बचेगा माइनस अट्ठाईस परसेंट बचेगा इक्वल में बचेगा बत्तीस सौ क्लियर जब माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई माइनस करेंगे तो बत्तीस होगा बत्तीस परसेंट बराबर बत्तीस सौ जब प्रतिशत हटा देंगे यहाँ से तो बट्टे में सौ होगा होगा कि नहीं होगा यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से पूछू तो ये गुना में इधर फेंकेंगे तो इधर भाग में इधर फेंकेंगे तो गुना में होगा होगा कि नहीं होगा बत्तीस सौ गुने सौ और नीचे ये चला जाएगा बत्तीस क्लियर है बत्तीस से बत्तीस काट दिया यानी एक का वैल्यू कितना आ गया दस हज़ार एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया दस हज़ार मतलब एक्स का मान कितना है दस हज़ार तब तो पूछा गया इसी संख्या का यानी एक का इसी संख्या का, का का मतलब गुना तेरे से ही से एक बटा टू परसेंट तेरे से ही एक बटा टू परसेंट कितना होगा समझिए हमने एक्स का वैल्यू कितना निकाला है दस हजार तो हमने दस हजार चुपचाप लिख दिया क्लियर है तेरे से एक बटा टू परसेंट को तोड़िए तो तेरह दोनों छब्बीस एक सत्ताईस सत्ताईस बटा टू अब प्रतिशत के लिए बट्टे में सौ, सौ सौ से गुना यानी दो सौ क्लियर है दो जीरो से दो जीरो हमने उड़ा दिया दो से काटेंगे तो पचास होगा जब पचास से गुना करेंगे सत्ताईस में तो कितना होगा कितना होगा तेरह सौ पचास यानी साढ़े तेरह सौ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है समझे कि नहीं समझे डाउट होगा नहीं होगा तो गाय जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए समझिए बनाने की कोशिश करिए खुद से तभी मजा आएगा इस वीडियो में देखिए दिया गए दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का चालीस प्राप्त हुआ और फिर भी वह साठ 600 वोटों से यानी 600 मतों से हार जाता है तब डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञान कीजिए मतलब टोटल वोट्स निकालना है मतलब टोटल वोट्स कितना है समझिए कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए हमने मान लिया टोटल 100 यूनिट्स वोट है क्लियर ले सौ यूनिट्स वोट मान लिया कि मान लिया 100 यूनिट्स वोट है तो एक व्यक्ति को चालीस परसेंट चालीस परसेंट वोट मिला यानी साठ चालीस यूनिट वोट मिला है एक व्यक्ति को तो दूसरा व्यक्ति को कितना मिला होगा भाई साठ यूनिट क्लियर होगा हुआ कि नहीं होगा अगर एक व्यक्ति को चालीस परसेंट वोट मिलेगा तो दूसरे को कितना मिला होगा साठ परसेंट यस या नो तो जो साठ परसेंट वोट जिसको मिला है वो क्या होगा विनर होगा हुआ कि नहीं होगा और जिसको चालीस परसेंट वोट मिलेगा वो लूजर होगा यानी हार गया इसको कम मिला है तो भाई हारी तो जाएगा इसको ज़्यादा मिलेगा तो ये तो जीत गया क्लियर तो एक बात हमको बताइए ये कितने वोटों से हारा होगा तो जाहिर सी बात है बीस यूनिट से यानी बीस वोटों से हारा होगा क्लियर है जब इसको चालीस मिला है इसको साठ मिला है तो बीस यूनिट कम मिला है तभी तो ये हारा क्लियर जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है कितने वोटों से हारा छः सौ वोटों से तो बीस रिप्रेजेंट करता है छः सौ के क्लियर है तो एक पर कितना होगा

क्वेश्चन हुआ इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा दिया गया एक स्कूल के एक छात्र को पास होने के लिए 25 परसेंट अंक प्राप्त करने होते हैं यदि वह 50 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुतुलन हो जाता है मतलब 25 अंक से फेल हो जाता है तब तो परीक्षा का निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञान कीजिए मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ यही है यही निकालना है समझिए कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए लेट मने होता है मानना मान लिया हमने संख्या एक्स है मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ एक्स नंबर का क्लियर है टोटल नंबर कितना एक्स इसमें से टोटल नंबर एक्स इसमें से कितना हमको चाहिए नंबर पास होने के लिए 25% तो टोटल नंबर में से 25% अगर आप ला देंगे तो तो आप तो पास हो गए भाई क्लियर होगा आपका सिलेक्शन पक्का तो प्रतिशत के लिए बट्टे में तो सौ होगा होगा कि नहीं होगा क्लियर प्रतिशत के लिए तो बट्टे में सौ होगा और एक देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोला गया है कि एक लड़का है जिसको पचास अंक मिला है कितना नंबर मिला है पचास अंक और पचास नंबर लाया और पचीस नंबर से फेल हो गया अगर मैं आपसे पूछूं उस लड़के ने 50 नंबर ला दिया और 25 नंबर से फेल हो गया मैं क्या करता हूं कि अगर इस 25 नंबर से जो फेल हुआ है और इसमें 25 नंबर मैं जोड़ दूंगा जो नंबर से फेल हुआ तो पास होने वाला नंबर आ जाएगा समझे कि नहीं समझा मेरी बातों को देखिए एक लड़का है उसको पचास नंबर आया है और पच्चीस नंबर से फेल हो जाता है तो मैं इस पच्चीस नंबर को उसमें ऐड कर दूंगा तो पास होने वाला नंबर आ जाएगा क्लियर समझे कि नहीं समझे तो ये पास, पास होने वाला नंबर आ जाएगा जब तो जब पास होने वाला नंबर आ जाएगा अब पास होने के लिए 25 परसेंट हमको चाहिए तो दोनों ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे समझने की कोशिश करिएगा मेरे बातें को क्लियर है दोनों आपस में बराबर होंगे तो अब हल कर देना है बस कुछ करना नहीं है एक्स गुने पच्चीस में सौ होगा बराबर इसको जोड़ेंगे तो पचहत्तर हो जाएगा पच्चीस से काटेंगे पच्चीस तो यही पचहत्तर यानी एक्स का वैल्यू मैं पूछूँ तो तीन सौ होगा यानी टोटल नंबर कितना है टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ है तीन सौ नंबर का क्लियर होगा समझे कि नहीं समझे डाउट नहीं हो रही होगी तो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दिया गया है एक कर्मचारी के वेतन में पहले 10 परसेंट की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 10 परसेंट की कमी की जाती है तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ समझिए कितने परसेंट का परिवर्तन है समझिएगा देखिए हमने मान लिया उस व्यक्ति का वेतन है सौ सौ रुपया है क्लियर है सौ यूनिट है इसमें दस परसेंट की वृद्धि हो गई जब दस परसेंट की वृद्धि करेंगे दस परसेंट का सौ पर दस परसेंट की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा एक सौ दस हो जाएगा हुआ कि नहीं होगा क्लियर है फिर दूसरे साल क्या हुआ इस पर दस परसेंट की कमी कर दी गई दस परसेंट की कमी कर दी गई तो 110 एक सौ दस का दस परसेंट कितना होगा ग्यारह होगा ग्यारह इसमें से माइनस कर देंगे निन्यानवे रहेगा होगा कि नहीं होगा नहीं समझे देखिए एक सौ दस का दस परसेंट कितना होगा भाई ग्यारह ही तो होगा एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो खत्तम बचे कितना एक ग्यारह कमी हो रही तो माइनस कर देंगे सर दस में से तो निन्यानवे बचेगा क्लियर अब समझिए देखिए सौ पहले वेतन था अब हो गया निन्यानबे कितने की कमी आ गई भाई कितने की कमी आई एक की कमी आ गई एक यूनिट की कमी आ गई तो एक यूनिट की कमी किस पर आया सौ पर आ गया क्लियर है पहले वेतन इतना था अब वेतन इतना हो गया तो कमी एक यूनिट का हो गया एक यूनिट कमी किस पर हुआ सौ पर हुआ तो बट्टे में सौ प्रतिशत पूछा गया तो प्रतिशत के लिए गुना प्रतिशत के लिए गुने में सौ सौ से सौ खत्म यानी एक परसेंट की कमी हो गई डाउट परेशानी नहीं हो रहेगी देखिए पहला तरीका दूसरे तरीका जान लेते हैं देखिए फार्मूला से कैसे हल करेंगे एक ट्रिक है देखिए जब भी कमी प्रतिशत पूछे या प्रतिशत कमी प्रतिशत कमी पूछे तो एक एंटीबायोटिक आपको याद होना चाहिए क्या बट्टे में सौ क्लियर है प्रतिशत कमी पूछे या कमी क्लियर है तो एक जगह पर क्या रखेंगे कितने प्रतिशत की कमी हो रही दस परसेंट की तो एक जगह पर दस दस के स्क्वायर करेंगे तो सौ अब बट्टे में सौ क्लियर है प्रतिशत काटेंगे तो एक परसेंट तो आएगा आंसर के समझ गए होंगे चलते हैं अगले परावलम दो हजार तेरह में एक शहर की जनसंख्या एक लाख साठ हजार थी एक वर्ष बाद जनसंख्या में की कमी आई उसके बाद जनसंख्या में आठ परसेंट की वृद्धि हुई तो दो हजार पंद्रह में शहर की जनसंख्या कितनी थी तो समझिएगा कैसे निकालेंगे बहुत ही आसान शानदार ट्रिक है देखिए टोटल जनसंख्या कितना एक लाख साठ हजार ये जनसंख्या कब था दो हजार तेरह में देखिए तो एक साल में क्या हुआ एक साल पहले साल कितने परसेंट की वृद्धि हो कि कमी छः परसेंट की कमी आ गई तो समझिएगा एक बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए कोई भी चीज़ कोई भी सामान दुनिया में कोई भी वस्तु हो अपने आप में वो सौ परसेंट होता है आप भी अपने आप में सौ परसेंट तेज होंगे ताकतवर होंगे एकदम बुद्धिमान होंगे अपने आप में सौ तो दुनिया में कोई भी चीज़ होती है अपने आप में सौ परसेंट होता है उसी तरह ये जनसंख्या है जनसंख्या अपने आप में सौ परसेंट होगा तो उसमें 6 परसेंट की कमी आ गई तो सौ परसेंट है 6 परसेंट की कमी आ गई तो अब कितना होगा चौरानवे परसेंट हुआ कि नहीं होगा अब प्रतिशत है तो प्रतिशत जब हटाएंगे तो में सौ यही राज की बात है किधर है समझने की कोशिश करिएगा गुना फिर दूसरे साल क्या हुआ आठ परसेंट की वृद्धि हो गई कितनी आठ परसेंट की वृद्धि हो गई तो सौ पर परसेंट के पर आठ परसेंट की वृद्धि यानी एक सौ आठ अब प्रतिशत के लिए पट्टी में सौ क्लियर होगा डाउट परेशानी नहीं होगी अब समझिएगा यहाँ पे दो जीरो यहाँ पे दो जीरो यानी कितने जीरो हो गए चार जीरो चार जीरो यहाँ से हमने उड़ा दिया क्लियर इन सभी को आप जुड़ दिया चिपका दीजिए यानी गुना कर दीजिए सोलह गुने चौरानवे गुने एक को जब आप कैलकुलेटर से या हाथ से दिमाग से पैर से गुना करेंगे तो आएगा एक क्लियर यही हमारा करेक्ट आंसर होगा परेशानी नहीं है डाउट नहीं है चलते हैं अगले प्रॉब्लम तो अगला क्वेश्चन दो वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या आठ थी यदि जनसंख्या की वृद्धि दर तीस वार्षिक है वार्षिक समझते हैं मतलब साल जनसंख्या बढ़ रही है तो एक वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी पूछा गया एक साल बाद की जनसंख्या कितनी होगी दो साल पहले जनसंख्या कितनी थी आठ हजार पूछा गया है तो समझेंगे देखिए प्रत्येक साल जनसंख्या बढ़ रही है तीस इसका फ्रेक्शन बनेगा तीन बटे क्लियर है तीन बट्टे दस बनेगा कैसे प्रतिशत के लिए बट्टे में सो कटाएंगे तीन बट्टे दस देखिए जो दस ये है, है मूल जनसंख्या इसको बोलेंगे नीचे वाले को मूल जनसंख्या पहले जनसंख्या दस थी एक साल में तीन बढ़ गया यानी कितना हो गया तेरे बट्टे दस होगा कि नहीं होगा क्लियर है अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा देखिए दो साल पहले जनसंख्या कस्बा की कितनी थी आठ हजार थी तो एक पॉइंट समझा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा देखिए ये पहला साल हुआ और ये दूसरा साल हुआ दो साल पहले जनसंख्या कितनी थी आठ हज़ार थी पूछा गया है एक साल आगे का तो एक साल आगे जाएंगे तो एक साल एक साल आगे की जनसंख्या पूछा गया है क्लियर है तो कितना पॉइंट बना एक दो तीन तीन पॉइंट बने यानी तीन साल एक साल दो साल तीन साल क्लियर है ये दो साल पहला एक साल आगे तीन पॉइंट बने यानी तीन साल बना तीन साल हुआ क्लियर है एक साल का जनसंख्या तेरे बटे दस है तीन साल बना है पॉइंट तो बार लिख देंगे क्लियर होगा बहुत ही आसान हो जाएगा इससे यहाँ पर तीन जीरो दिखाई देगा ये तीन जीरो इस तीन जीरो को काट देगा गुना इन सभी को करेंगे तो आएगा एक सौ पचहत्तर छिहत्तर क्लियर है यानी एक लाख सात हजार पांच सौ छिहत्तर जनसंख्या हो जाएगी तीन साल सॉरी एक साल बाद दो साल पहले जनसंख्या इतनी थी एक साल बाद बढ़ जाएगा जनसंख्या इतना हो जाएगा क्लियर समझ गए होंगे डाउट नहीं हो फ्रेंड्स आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है अपने आप में बहुत धाकड़ क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को दिलो दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा देखिए दिया गया एक आदमी अपनी आय का पैंसठ खर्च करता है उसकी आय में 20 परसेंट की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10 परसेंट की वृद्धि होती है तो उसकी बचत वृद्धि प्रतिशत क्या है ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना है देखिए आय तो दिया नहीं है तो हम अपने पॉकेट से मान लेते हैं उस व्यक्ति का आय 100 परसेंट है सौ यूनिट है क्लियर है हमने आय मान लिया सौ यूनिट है सौ रुपया वो कमा रहा है देखिए वो खर्च कितना करता है आय का अपने खर्च कितना करता है आय सौ है तो खर्च करता है पैंसठ परसेंट यानी पैंसठ यूनिट वो उड़ा देता है खाने में क्लियर है तो उसने पैसा कितना बचाया होगा यानी बचत कितना हो जाएगा भाई बचत कितना होगा पैंतीस प्रतिशत पैंतीस यूनिट वो बचाता होगा पैंसठ परसेंट खर्च करता है तो पैंतीस यूनिट तो बचाएगा क्लियर है सिंपल बातें हैं अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा अब क्वेश्चन बोला गया है उसके आय में बीस परसेंट की वृद्धि हो जाती है आय में बीस परसेंट की वृद्धि हो गई तो अब उसका नया आय कितना होगा ये नया आय हो जाएगा अब नया आय कितना होगा एक सौ बीस परसेंट होगा क्योंकि आय में तो बीस परसेंट वृद्धि हो गई क्लियर अब आगे क्वेश्चन बोला गया है कि उसके व्यय में दस की वृद्धि हो जाती है व्यय मतलब खर्च खर्च कितना है पैंसठ है तो इसमें दस परसेंट की वृद्धि हो गई इसके ब्याय में दस परसेंट की वृद्धि हो गई तो पैंसठ का दस परसेंट कितना होगा सिक्स पॉइंट फाइव कैसे पैंसठ का दस परसेंट कितना होगा भाई एक जीरो से एक जीरो तो सिक्स पॉइंट फाइव आएगा सिक्स पॉइंट फाइव इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा इकहत्तर पॉइंट फाइव क्लियर यह हमारा क्या आ गया नया नया खर्च यानी नया व्यय कितना आ गया नया व्यय इकहत्तर पॉइंट फाइव क्लियर है नया व्यय यानी नया खर्च इकहत्तर पॉइंट फाइव है नया आय एक सौ बीस परसेंट है यानी एक सौ बीस यूनिट है तब तो नया बचत कितना होगा अब वो पैसा कितना बचाता होगा यही तो राज की बात है तो समझिएगा कैसे निकालेंगे एक सौ बीस उसका इनकम है खर्च करता है इकहत्तर पॉइंट पाँच तो माइनस कर देंगे इनकम में से खर्च को तो बचत आ जाएगा यानी नया बचत कितना आएगा भाई घटाएंगे तो कितना आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बनेगा अड़तालीस पॉइंट अड़तालीस पॉइंट पांच बनेगा यानी नया बचत कितना होगा फ्रेंड्स अड़तालीस पॉइंट पांच पूछा क्या गया क्वेश्चन में उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई देखिए पहले बचत था पैंतीस अब बचत है नया अड़तालीस पॉइंट पांच यानी वृद्धि कितना हो गया तीर पॉइंट फाइव का तीरह पॉइंट फाइव का वृद्धि हो गया बचत में तीरह पॉइंट फाइव की इस पर वृद्धि हुआ है पैंतीस पर पैंतीस पर पैंतीस बट्टे में आ जाएगा अरे पॉइंट हुआ है 25, 27 पचे, 135। कितना बना? दो सौ सत्तर बट्टे दस जब इसको भाग लगाएंगे दो सौ सत्तर बट्टे सात सॉरी दो सौ सत्तर बट्टे सात में होगा जब सात से जब सात से दो सौ सत्तर में भाग देंगे तो कितना बनेगा अड़तीस पॉइंट पांच बनेगा कितना अड़तीस पॉइंट पांच परसेंट उसका आंसर हो जाएगा यानी बचत कितना हो जाएगा वृद्धि बचत कितना होगा अड़तीस पॉइंट पांच क्लियर यही हमारा करेक्ट आंसर होगा तो इसको ध्यान से समझिएगा और एक से दो बार इसको बनाने के घर पर कोशिश करिएगा ट्राई तभी समझ में आएगा क्लियर होगा डाउट नहीं होगी चलते हैं अगले अगला क्वेश्चन है एक संख्या में दस परसेंट की वृद्धि की जाती है और फिर दस परसेंट की कमी की जाती है यदि परिणाम निन्यानवे है तो मूल संख्या क्या है समझिए कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स देखिए एक संख्या है उसमें दस परसेंट की वृद्धि की जाती है दस परसेंट का वृद्धि दस परसेंट का फ्रैक्शन एक बट्टे दस यानी नीचे वाला मूल संख्या है इसमें दस परसेंट की वृद्धि हो रही तो एक बटा यानी संख्या कितना होगा एक ग्यारह बट्टे दस क्लियर है आगे दिया है फिर दस परसेंट की कमी की जाती है इसका फ्रैक्शन एक बट्टे दस दस परसेंट की कमी की जाएगी यानी जा कितना नौ बट्टे दस होगा यानी एक की कमी आ गई तो घटा देंगे मूल संख्या में से क्लियर तो ये हो गया वृद्धि हो गया कमी हमने मान लिया संख्या एक से इसमें दस परसेंट की वृद्धि हो रही कितना हो रहा है संख्या ग्यारह बटे दस बुनिया कमी हो रही संख्या कितना हो रहा है दस और रिजल्ट दिया कितना है निन्यानवे तो बराबर में निन्यानबे क्लियर देखिए ग्यारह नव निन्यानबे होगा गया निन्यानवे से निन्यानबे खत्म यानी एक बराबर सौ संख्या क्या है सौ है मूल संख्या क्या है सौ है डाउट नहीं होगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर मजा रहे तो लाइक सब्सक्राइब बनता है तो गाइज अगला क्वेश्चन यदि ए का बारह परसेंट बी के दस परसेंट के बराबर है तो ए के चौबीस परसेंट बी के कितने प्रतिशत के बराबर है समझेंगे ध्यान से दिलो दिमाग से कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए दिया गया ए का ए का का मतलब गुड़ा बारह परसेंट ए का बारह परसेंट बारह परसेंट मतलब क्या बट्टे में सौ क्लियर है बट्टे में सौ यही राज की बात है आगे दिया है बी का बी का दस परसेंट प्रतिशत के लिए बट्टे में सौ ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं तो बीच में बराबर नो डाउट आप समझिएगा सौ से सौ कट देगा नीचे नीचे टांग से टांग काट दिया क्योंकि दोनों बराबर है यहाँ काट सकते हैं दो से काटेंगे दो छक बारह ये दो पचे दस अब कटेंगे नहीं यानी ए का मैं वैल्यू पूछूँ तो कितना होगा बी गुने पाँच हमने ए का वैल्यू निकाल लिया कितना बी गुने पाँच बट्टे छः यही राज की बात है आगे समझते हैं पूछा क्या गया है समझिएगा ए का चौबीस परसेंट ए का चौबीस परसेंट प्रतिशत के लिए बट्टे में सौ बी का बी का बी के कितने परसेंट के बराबर है बी का का, का कितने परसेंट के बराबर है मान लीजिए कोई संख्या हमने मान लिया इतने परसेंट के बराबर है यानी एक्स परसेंट के बराबर है क्लियर है हमने ये माना है ना अभी विदाउट मानकर भी बना सकते हैं एक पर तो हमने संख्या मान लिया x के बराबर है क्लियर है आप समझिएगा ए का वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना b गुने पाँच बटे छः तो एक जगह पर रखेंगे b गुने पाँच बटे छः गुने चौबीस बट्टा सौ क्लियर इक्वल में b गुने एक्स परसेंट है तो x बट्टे सौ प्रतिशत के लिए बट्टे में सौ क्लियर टांग से टांग काट सकते हैं क्योंकि कट जाएगा कटने वाला है तो आप कोई कटेगा छः से काटेंगे छः चौ के चौबीस अब बीस से बी भी कट जाएगा यानी एक्स बराबर कितना आ गया हमारा पाँचों के बीस यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया पाँचों के बीस परसेंट करेक्ट आंसर क्लियर समझे कि नहीं समझ परेशानी है डाउट इस क्वेश्चन में नहीं है तो फ्रेंड्स अगला है या पच्चार पच्चार जोड़ कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो संख्या हमको निकालना है क्लियर हमने मान लिया संख्या एक्स है इस संख्या का पचहत्तर परसेंट परसेंट मतलब बट्टे में सौ इसमें पचहत्तर जोड़ देते हैं पचहत्तर जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलता है जितना हमने माना है क्या माना है एक्स जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किया किसी संख्या का पचहत्तर परसेंट ने पचहत्तर जोड़ने पर वही संख्या मिलता है तो बराबर में एक्स डाल दिया क्लियर समझ गए होंगे देखिए कट रहे हैं तो काटे पच्चीस तेईस पचहत्तर पच्चीस चौके सौ कितना बनेगा थ्री एक्स बट्टे फोर प्लास में पचहत्तर अब बराबर में एक्स इसको टांग इधर लाएंगे तो थ्री एक्स बट्टे फोर माइनस में आ जाएगा एक्स इधर उसको फेंक देंगे तो माइनस में चल जाएगा पचहत्तर क्लियर अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ से एल से हम लेंगे फोर एक्स बनेगा फोर एक्स में से माइनस थ्री एक्स माइनस करेंगे तो माइनस के एक्स बट्टे में फोर बराबर है माइनस के पचहत्तर यहां से माइनस के माइनस उड़ा दिया यानी का वैल्यू पूछो तो पचहत्तर चौगा कितना होता है भाई तीन सौ तो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया संख्या क्या है उस संख्या क्या है तीन सौ है आंसर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या क्रमशः चार सौ और आठ सौ यदि एक परीक्षा में साठ परसेंट लड़कियां और तीस परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए मतलब पास हो गए तो कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए मतलब फेल हो गए समझना है फेल छात्रों को प्रतिशत निकालना है लड़कों और लड़कियों का तो समझिएगा ध्यान से जी फोर होगा गर्ल और बी फोर होगा बॉय ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा क्लियर है समझिए लड़कियां है कितनी भाई चार है लड़किया है चार और लड़के कितने भाई आठ है लड़कियां पास कितनी हुई एग्जाम में साठ परसेंट तो साठ परसेंट पास होगी तो फेल कितनी होगी चालीस परसेंट फेल कितनी हो जाएगी भाई चालीस परसेंट चालीस परसेंट फेल हो गई तो चार सौ का चालीस परसेंट कितना होगा चार सौ के सोलह यानी एक सौ साठ होगा होगा कि नहीं होगा क्लियर आप बात करते हैं लड़कों के लिए लड़का कितना पास हुआ है भाई तीस परसेंट पास हो गया तो फेल कितना होगा सत्तर परसेंट सत्तर परसेंट लड़के क्या हो गा? फेल हो गए तो 800 का 70 परसेंट निकाले कितना होगा सात अट्ठे छप्पन यानी 560। सौ साठ ये जो नंबर आया है ये कौन से लड़के हैं फेल हुए इतने छात्र फेल हो गए एग्जाम में मतलब ओवरऑल कितने लड़के फेल हो गए जीरो 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 छह दो एक पांच और एक सात सात सौ बीस लड़के एग्जाम में फेल क्लियर एग्जाम में फेल हो गए हमसे पूछा गया टोटल लड़के कितने तो मतलब जनसंख्या चार सौ दो सौ आठ सौ चार सौ चार सौ आठ सौ बारह सौ टोटल लड़के कितने बारह सौ यानी बारह सौ में से सात सौ बीस लड़के फेल हो गए अब प्रतिशत के लिए गुने में सौ यही तो राजकीो बार्छक बहतर यानी साठ परसेंट लड़के एग्जाम में फेल हो गए लड़का लड़की अब क्लियर समझ गए होंगे डाउट परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी क्वेश्चन समझ में आया तो एक वीडियो का लाइक बनता है और नया है एकदम ताजा है एकदम फ्रेश है इस चैनल पर एकदम नया नया है आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य छोटा सा लाल सा बटन होगा व्हाइट सा कहीं कोने में होगा मोबाइल के तो उसको प्रेस कर देना ऑटोमेटिक वो सब्सक्राइब हो, हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैराथन लेकर तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय